जमशेदपुर में दुर्गा पूजा का इतिहास वर्षों पुराना है। दरअसल पश्चिम बंगाल की तर्ज पर लौह नगरी जमशेदपुर में भव्य रूप से पूजा पंडाल बनाकर मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करते हुए विधिवत रूप से पूजा करने की परंपरा 1906 से चली आ रही है। हालांकि बदलते वक्त के साथ इसे और आधुनिक और विस्तृत रूप दे दिया गया है। अब यहाँ हर साल एक से बढ़कर एक थीम पर माँ दुर्गा के पूजा पंडाल बनाए जाते हैं। साथ ही पूजा पंडाल के अंदर और बाहर की विद्युत सज्जा श्रद्धालुओं को खूब आकर्षित करती है। जमशेदपुर में इस बार कुल 424 जगहों पर पूजा पंडालों और मंदिरों में आदि शक्ति माँ दुर्गा की पूजा हो रही है। माँ के दरबार और उसकी सजावट पर लगभग 80 करोड़ रुपए से अधिक खर्च का अनुमान है। बता दें कि शहर में कुल 324 पूजा पंडाल लाइसेंसी जबकि 100 गैर लाइसेंसी हैं। वैसे तो शहर में अब असंख्य पूजा पंडाल हैं, लेकिन कई जगहों पर इस पूजा का आयोजन विशाल और भव्य रूप से किया जाता है। इस बार भी आदित्यपुर यूथ स्पोर्टिंग क्लब, ठाकुर प्यारा सिंह धुरंधर सिंह क्लब काशी डी समेत टुइला डुंगड़ी दुर्गा पूजा कमेटी, सेंट्रल भुइया डी एरिया सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी, रानी कुदार जैसी जगहों पर भव्य पंडाल और प्रतिमा का निर्माण कराया गया है। बता दें कि पंडालों के पट खुलते ही माँ दुर्गा के प्रति भक्ति लौह नगरी के सिर चढ़कर बोलने लगती है। शहर में पूजा का, दुर्गा पूजा का क्या इतिहास है? देखिए, जब टाटा स्टील 1907 में जब यहाँ प्रतिष्ठापित हुई तो यह उस समय बंगाल के अधीन हुआ करता था। स्वाभाविक है कि सारे माइग्रेट होकर के यहाँ लोग आए, रहने लगे, यहाँ के लोगों का परिवेश चेंज हुआ। बंगाल से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग सारे लोग थे, तो दुर्गा पूजा वहीं से प्रारंभ हुआ। लोगों ने पूजा किया, पहले मंदिरों में पूजा किया, उसके बाद में धीरे धीरे यह पूजा सार्वजनिक होता गया, मैदान में होता गया, और तभी से लोग 1911 से यहाँ पर लगातार पूजा कर रहे हैं। अभी आप काशी डी पंडाल जो है, ये किस थीम पर बनाया गया है? और यह जो है महर्षि कश्यप का आश्रम, जो महर्षि कश्यप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, जिनके पुत्र मनु हुए, इच्छवाकु हुए, रघु हुए, बाद में प्रभु राम हुए, तो उनके आश्रम के थीम पर बनाया गया है ये पूजा पंडाल। और यह पंडाल का थीम इस बार इको फ्रेंडली किया गया, यानी कपास से, जूट से, कपड़े से लेकर के इस चीज़ों का प्रयोग किया गया है। ना ही इसमें प्लास्टिक का प्रयोग है, ना किसी प्रकार की चीज़ें का प्रयोग है, और सूता भी बांधा गया तो कपड़े का बांधा गया। तो इसको बनाने में लगभग 50 मजदूर लगातार 2 महीने तक काम किए। और इस पूजा की विशेषता यह है कि पूजा बरसों से 1947-48 से पूजा इस मैदान पर होता रहा है, और यहाँ पर लाखों लोग, चाहे बहरा घोड़ा से लेकर कुंजर तक, कुंजर से लेकर के आपको मनोहरपुर तक, मनोहरपुर से लेकर के पुरुलिया के इलाके के लोग जो है यहाँ पर पूजा मनाने आते हैं। अब पूजा का मेला का जो आप देख रहे हैं, या मेला भी लोग देखने के लिए आते हैं, या पूजा गरीबों के लिए इंतज़ार भी करता है कि क्योंकि उनका एक छोटा सा जो व्यापार का माध्यम इसी पूजा से निर्वाह होता है। और दुर्गा पूजा भक्ति की पूजा है, शक्ति की पूजा है, अध्यात्म की पूजा है, और साथ ही शांति की पूजा है, कांति की भी पूजा है, क्योंकि इसकी महिमा ये है कि इसी नवरात्र में महिषासुर का भी वध हुआ और इसी महिषासुर नवरात्र में रावण का भी वध हुआ। तो भगवान राम ने रावण को इसी नवरात्र में मारे थे, और इसी नवरात्र में माता दुर्गा ने कभी चंद्रघंटा बन के, स्कंद माता बन के, ब्रह्मचारिणी बन करके, शैलपुत्री बन करके, सिद्धिदात्री बन करके, महागौरी बन करके, उन्होंने इस सृष्टि से महिषासुर, जो राजा रंभ के पुत्र महिषासुर के आतंक को खत्म किया, और दशहरा के रोज यानी दशमी के रोज उन्होंने मार गिराया। और तब से यह पूजा धर्म के लिए, उपासना के लिए, अध्यात्म के लिए पूजा करते हैं। अरे वाह, तुम्हारे ब्लॉक को कोल्ड स्टोरेज मिल गया? अरे काहे का कोल्ड स्टोरेज? ये मैम ने तो बोला था हर ब्लॉक को कोल्ड स्टोरेज मिलेगा, हमको लगा तुम्हारे ब्लॉक को भी मिला होगा। अरे नहीं मिला है भाई, हमारे ब्लॉक को भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? इन्हें तो कोल्ड स्टोरेज नहीं मिला, आपको मिला क्या? thefollowup.in लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।
www.thefollowup.in.